कैसा हो हमारा जीवन, ना हम बोल सके और ना ही हम सुन सके। कैन यू फील इट? ऐसी चीजें ना अपन महसूस कर सकते हैं और ना ही अपन इस चीज का फील ले सकते हैं, सच बता रहा हूँ। लेकिन अपन सभी सोशल मीडिया देखते हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और उस चीज को आप सभी समझ भी रहे हो। लेकिन यही बात बोलूं कि कोई इंसान ना इस बात को समझ पाएगा, ना इस बात को वो सुन सकता है, कुछ नहीं, लेकिन वो देख सकता है बस। तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करेगा? क्योंकि अपन लोग बात करके तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इस चीज का शिकार 90% लोग जो डैफ है, 90% लोग इस चीज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन विजेता वही होता है जो डिप्रेशन में ना जाकर इन सबसे लड़े और एक अपना अंदर से कुछ जुनून लाए और कुछ करे। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि तो आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ विटल्स किचन में। सो हे वर्स गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूनिवर्सल ब्लॉगर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी की पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जहाँ पर उनको देखकर आपको एक इंस्पायर मिलेगी, आपको एक मोटिवेट होंगे। क्योंकि अपन लोग बोलते हैं कि अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। अपन जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके लिए बस अपने दिल में जुनून होना चाहिए। तो चलिए साथ मिलके चलते अपन अंदर एंड एक्सप्लोर करते साथ मिलके, एंड मैं उन लोगों से मिलवाता हूँ जो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। कितना मतलब ऐसी लाइफ सोचकर अपन को कैसे लगता है यार, वो ना एक्सप्रेस कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। मैं आज सभी का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, अपन चलते साथ मिलके करते अंदर एक्सप्लोर एंड देखते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे इनके जो ऑनर है, कुछ अपन कुछ करते हैं तो ऐसे लोग रखेंगे क्या? कमेंट करके बताना, मैं आपको ले चलता हूँ अंदर एंड साथ मिलके करते हैं एक्सप्लोर। मैं अंदर आ चुका हूँ एंड मैं आपको एक शॉर्ट सा बता देता हूँ कि यहाँ का इंटीरियर कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर है रिसेप्शन, साथ ही एक शानदार सा जिंदगी गुलजार है, और ये भी यहाँ पर एक वॉल पे पूरी की पूरी। इधर आइए, अब डेफ पीपल के लिए जो उनका साइन होता है, अपन को तो नहीं पता कि क्या होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। आइए आइए, तो देखो ये L, ये C, यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सभी साइन होते हैं, X हो गया और ये E हो गया और ये P हो गया, मतलब बहुत तरह तरह के साइन हैं जो कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। साथ ही ये वॉलपेपर देखिए, ये वॉलपेपर आप सभी को बताता है कि इतने जयपुर की ये वॉलपेपर, इतने क्राउड में एक डेफ बंदा आराम से अपनी ज़िंदगी में खुश है, हैप्पीनेस है और आराम से एक बैलून लेकर चल रहा है, उसको कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मदर टेरेसा का एक मोटिवेशन एक बना हुआ है जिसमें इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड गो होम एंड लव योर फैमिली। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा सा अक्षरों में HOPE, यानी होप। और एक और मोटिवेशन यहाँ पर है, ट्रेन योर माइंड टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। यहाँ पर बता दूँ, अगर आप डिप्रेस हैं या आपके अंदर कुछ चाहिए कि एक मोटिवेट हूँ मैं, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर बैठिए जो आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, क्योंकि बाहर तो इतनी भयंकर धूप हो रही है, अंदर आके मेरे को इतना अच्छा चिल कर रहा हूँ, वाइब जो मिल रही है चारों तरफ एक मोटिवेशन सी। और साथ ही यहाँ पर भैया को देखिए, इतने खुश, सर्विसेज जो इनकी है, सर्विसेज जो इनकी है,
सभी के सभी खुश है, उनको कोई भी परेशानी नहीं अपनी लाइफ से, बहुत खुश है। अपने पास है यहाँ का स्पेशल मेन कोर्स, जिसमें सबसे पहले अपने पास है गार्लिक नान, मिर्चापुर, कोल्ड कॉफी, दाल तड़का, शाही पनीर, अरे साथ में आज सैलेड। तो मैं तो इंडिया को यहाँ यहीं से स्टार्ट करूँगा, हेल्दी टेस्टी। तो चलिए अपन पूरा फूड प्लेट में डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। दोस्त चलिए, मैंने मेरे प्लेट में डाल चुका हूँ, अब अपन इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि दिखने में तो इतना ज़्यादा डेलिश लग रहा है ना मेरे को। अब देखते हैं कि खाने में भी उसका ही स्वाद है क्या। सबसे पहले अपने पनीर की सब्जी से, ओए ओए इतने बड़े पीस, जल्दी से खाता हूँ। ये देखो, ये अपन ने डाला, वाह सच में मेरे को खाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इसमें भाई फ्लेवर डाल रखे, कुछ अलग से ऐड कर रहा है। सच बता रहा हूँ, ये प्लेस हर चीज़ में बेस्ट है। तो जल्दी आइए और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नंबर, और खाने के बारे में बताऊँगा तुमको, तो बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेलिश ये मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, एकदम यम्मी यम्मी। मेरे को मेन कोर्स खाकर बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बता रहा था ना कि फूड का कैसा टेस्ट है, 10 out of 10 है। बच्चों के लिए, मतलब मेरे जैसे बच्चों के लिए बहुत क्यूट और बहुत टेस्टी था, यम्मी था, चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा आ चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले अपन ये पूरी सॉस डालते हैं। अरे वाह, अल्टीमेट मैं बोल रहा हूँ, एक बार मेरे कहने से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आकर जो आपको वाइब मिलेगी ना, एक पॉजिटिव वाइब, आपकी पूरी सोच ही चेंज हो जाएगी यार, सच बता रहा हूँ यहाँ पर आकर। अब मैं आपको ऐसे पर्सन से लाऊंगा जिनकी थिंकिंग अपन से ऊपर है, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ। हेलो हेलो, आई एम फाइन इमान। तो यार भैया, आप सबसे पहले बता दीजिए मेरे को, ये जो थिंकिंग है, आप एक हाई क्वालिफाइड पर्सन को भी रख सकते थे एज ए स्टाफ, और एक एजुकेटेड पर्सन को भी, तो हम एक डेफ पीपल जो ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, तो हमने उनको ही क्यों चुना? क्योंकि जैसे आपने कहा हाई क्वालिफाइड लोग हैं, और जो दूसरे लोग हैं उन सबको तो कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, इन लोगों के लिए तो ऐसा कोई जॉब होती ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसे लोगों को जॉब मिल सके इसीलिए मैंने लोगों अपने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, और अपना कितना टाइम हो चुका है? 6 years। और जैसा कि आपने बोला कि हायर क्वालिफाइड उनको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन इनको नहीं मिल सकती, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि स्टार्टिंग से कि ये कस्टमर को कैसे समझेंगे, और ये जो कस्टमर कुछ बोल रहा है तो कभी नेगेटिव पॉइंट कभी आया है? देखिए, पहली तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि जैसे क्वालिफिकेशन वाली जो हम लोग बात करके चलते हैं, मेरा जितना भी स्टाफ है वो सब लोग ग्रेजुएट हैं। जी, वो सब लोग ग्रेजुएट हैं, और
दिक्कत तो ऐसा मुझे कभी आई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे ऐसे लोगों को जॉब देना ही है, तो कुछ सोचना ही नहीं था उसके आगे तो। और नेगेटिव वाली बात रही तो 1000 कस्टमर्स में से शायद आज तक 2 या 3 लोग ऐसे हुए होंगे जिनके साथ में मेरा थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा इन लोगों को लेके, अदरवाइज तो 97% लोग तो ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे। एग्जैक्टली मतलब जो इनका बाय नेचर और जो हंस के एक हैप्पीनेस से दूसरे लोग खुश हो रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसे क्यों नहीं है, तो ये तो मेरे को तो बहुत बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगा। और तीसरी बात आशीष भैया, यहाँ का जो फूड है मेरे को इतना ज़्यादा अल्टीमेट यम्मी डेलिश जो अपन बोल सकते हैं वो बोल सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा डेलिश लगा। और घर से 100 times बेटर मेरे को यहाँ पर आकर यहाँ की पॉजिटिव वाइब लेकर और वो खाकर बहुत शानदार लगा। तो मेरे को बताइए ये जो टेस्ट है इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है एक सिंपल सी फिलॉसफी, और वो फिलॉसफी ये है कि हम लोग यहाँ पे वो फूड बनाएंगे और वो फूड वैसा बनाएंगे जैसे हम लोग घर पे बना के चलते हैं, और वो फूड ऐसा होगा जो मैं खुद खुद के बच्चों को भी खिला सकता हूँ। अच्छा। तो जब मैं मेरे बच्चों को फूड खिला सकता हूँ तो मैं दुनिया में किसी को भी खिला सकता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। और यही थिंकिंग को लेकर आपका इतना बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा है, इतना बढ़िया फूड है और यहाँ पर इतना बढ़िया स्टाफ है। एंड चौधरी जी आशीष भैया, ये यहाँ पर एक साथ कितने लोग आ सकते हैं? और यहाँ पर पार्टी, किट्टी पार्टी, बैचलर पार्टी हो गई, एक दोस्तों में पार्टी हो गई, तो वो क्या एक साथ पूरा ही बुक करना पड़ता है या पर्टिकुलर चीज अपन पर्टिकुलर प्लेस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं? डिपेंड करता है, अगर 40 persons हैं तो रेस्टोरेंट पूरा ही ऑक्यूपाइड होगा, एंड अगर 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं तो एक टेबल बुक हो जाएगा। और उन सभी की पर पर्सन की प्राइसेस क्या होती है? डिपेंड करता है कि आप क्या मेन्यू रखते हैं। एंड आशीष भैया ये भी मुझे को बताइए, ये चीज ऐसे जो कॉन्सेप्ट है हमने जयपुर में फर्स्ट है या इंडिया में फर्स्ट है या राजस्थान में फर्स्ट है? देखिए इंडिया में फर्स्ट टाइम था या नहीं था इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बस मुझे पता है कि हम लोग को 6 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। और ये जो स्टाफ है मेरे को यहाँ पर बहुत बेस्ट लगा, साथ ही मैं एक बार जानना चाहूँगा यहाँ का जो मेन्यू है तो लोग समझेंगे कैसे, ना अपन इनको बोल पाएंगे तो ना सुन पाएंगे और ना अपन एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो उसका क्या लॉजिक है? उसका जो मेथड है, मेथड ये होता है कि जो फूड मेन्यू है, फूड मेन्यू में आगे फूड कोड लिखा रहता है, हर प्रोडक्ट के आगे फूड कोड लिखा रहता है, तो जैसे बस आपको चाउमीन लेकर चला है तो उसका फूड कोड A1 है, तो आपको एक जो पेपर दिया हुआ है आप उस पर A1 एंड क्वांटिटी जितना भी चाहिए आप उस पर मेंशन कर दीजिए, देन मेरा स्टाफ उस पेज को लेकर काउंटर पर जाते हैं जिसको हम लोग वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है। तो कोड को आपने थिंकिंग में कैसे आया, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम हमने पूरे राजस्थान में, एंड आई नो आपने कहीं दूसरी जगह पे भी नहीं देखा होगा ऐसा, तो ये जो थिंकिंग है ये आई कहाँ से आपके पास कि ये कोड का भी सिस्टम होता है, कोड में A1 B1 कि वो लिख कर ये ऐसे कर सकता है? एक हिंदी में एक कहावत है, ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है, तो जब आपको कोई चीज़ नहीं हो रही होती है तभी सॉल्यूशन आकर चल रहा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग नए नए कोड्स खुद भी हम लोग बना के चलते हैं, नई नई चीज़ें हम लोग खुद डेवलप करके चलते हैं, तो उस तरह से चीज़ें होकर चलती हैं। आप स्टार्टिंग में आप इन सभी से एक मतलब मिले कैसे, ढूंढा कहाँ से और लाए कहाँ से? जयपुर में एक स्कूल है पोदार, सेठ आनंदीलाल पोदार स्कूल, वहाँ पे कंप्लीट डेफ बच्चे होते हैं, तो जब मेरा रेस्टोरेंट खोलने का जब प्लान हुआ था तो उस वक्त मैं स्कूल गया था, एंड वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे मिस्टर वागवानी सर वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, मैं उनसे मिला एंड उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे ही 10-12 बच्चों को बुला लिया, एंड मुझे उस वक्त साइन लैंग्वेज भी कुछ भी नहीं आता था, तो हम लोगों ने आपस में पेपर पे लिख के हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, एंड इस तरह से फिर मेरी टीम डिसाइड हुई जो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे, उस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एंड फिर जब मेरा स्टाफ रेस्टोरेंट पे आ भी गया तो उन्हें नहीं पता था कि काम करना कैसे है, किसी कस्टमर से बात कैसे करके चलनी होती है, कैसे पानी सर्व करना होता है, तो मैंने ही उनको सारा का सारा मैंने ट्रेन करके चला कि कैसे किसी कस्टमर को आपको सर्व करके चलना है, कैसे ऑर्डर लेकर चलना है, तो सारी की सारी चीज़ें सेल्फ डिज़ाइन थी। सुपर आशीष भैया, आपको बहुत ज़्यादा हैट्स ऑफ है कि आपने इतनी मेहनत करी इन लोगों के साथ, और एक अपने जयपुर में राजस्थान में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, और ये लोग भी मेरे को बताएं मेरे जो फैमिली सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पर 100% आएंगे
डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को दे रखा है एंड आप इनसे जान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ का मेन एड्रेस। अपोजिट लक्ष्मण पिक्चर हॉल एंड मोबाइल नंबर है 96। हाँ बस। या तो भैया आ चुके हैं, ये देखो आई स्माइल। ओके माय एंड माय नाइस हु आर देयर। ओके मैं आपको रीडिंग करके बता दूं। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर इज डीफ एज दे कैन नॉट हियर सो दे कैन नॉट स्पीक एंड इन फैक्ट ट्राई टू कॉपी आवर साउंड एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट स्पीकिंग ग्रेजुअली बट अ डीफ इन फैक्ट कैन नॉट हियर सो ही कैन नॉट स्पीक। लेट्स लर्न योर नेम इन साइन लैंग्वेज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके ऑरेंज ओके white blue red black blue sky pink okay please ask for this if you need okay dekho menu ho gaya and water okay and cleaning nice acha wow okay tissue बिल ओके ओके ओक अच्छा ओके तीन वाले होते हैं ना एक दो तीन ओके नाइस स्पून सुपर तवा रोटी अरे वाह तंदूरी रोटी वाह लच्छा पराठा नान ओके ऑनियन सुपर भाई सुपर चिली राइस ओके टमाटो टमाटो अचार चटनी पीस के बनाते ना पूरा ये हो गया सॉस सॉल्ट नमक एंड लेमन ओ बिल्कुल स्किप करते हैं इसको सुपर लेट्स लर्न साइन लैंग्वेज ओके योगी मम्मी एंड पापा ओके भाई ओके एंड बहन ओके राखी का हो गया हस्बैंड ओके ओके सुपर यार गर्लफ्रेंड ओके ओके बॉयफ्रेंड हेलो थैंक यू क्लैप बाय सॉरी गुड नाइट वाओ यार गुड मॉर्निंग। अरे यार मतलब भैया का आप देख रहे हो क्या पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से और जो उन्होंने मेरे को समझाया मेरे को पूरे से नहीं आए लेकिन हाँ थोड़े बहुत मेरे को आ चुके हैं। आप इधर आओगे ना तो भैया गारंटी देता हूँ भैया आपको सिखाएंगे और आपको समझ भी आएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आप दूसरी दुनिया में जाओगे और उस दुनिया के बारे में जानोगे। साथ यार भैया बहुत शानदार बहुत शानदार एंड आशीष भैया यूट्यूब ये आपने बहुत अच्छा करा मतलब एक ऐसे लोगों को स्टाफ बनाकर क्योंकि एक दूसरी दुनिया में मेरे को जाकर कि ये लोग भी ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे साइंस से अपन से बातें करते हैं उनको बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर आते ही रहूँगा बहुत ज़्यादा। एंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना तो मेरे दोस्त आज अभी भी अपना प्लान बनाओ जल्दी से आ जाओ यहाँ पर फटाफट। रेस्टोरेंट में जाकर मेरे को इतना अच्छा लगता है लेकिन यहाँ विथाल किचन में आकर मेरे को इतना बेस्ट लगा यहाँ की वाइब यहाँ की पॉजिटिव वाइब और यहाँ के स्टाफ से मिलके जैसा कि आपने पूरी वीडियो देख ली। सो
थैंक यू सो मच मेरे दोस्त के आर्मी मेरे साथ यहाँ तक बने रहे और पूरी की पूरी मेरे खाने से लेकर इंटरव्यू से लेकर यहाँ के स्टाफ तक मिलने तक। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय। मैं तो चला घर और मैं मिलता हूँ आप सभी से दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।